और आइए अब आपको सुनवाते हैं अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं अदालत में अपनी पेशी के बाद। हम लोग कोयला घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी और नितिन गडकरी जी के घर की तरफ शांतिपूर्ण तरीके से 26 अगस्त को जा रहे थे। 2 लाख करोड़ रुपए का इन पार्टियों ने मिलकर, नेताओं ने मिलकर कोयले की चोरी कर ली। आज तक एक भी कोयला चोर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी भी कोयला चोर के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं की गई। और जो लोग कोयला चोरी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को जेल में डालने की सरकार तैयारी कर रही है। ऐसा लगता है जैसे सारे कोयले की चोरी हम ही लोगों ने कर ली हो। तो आज हमें बुलाया गया, हम यहाँ पे आए हैं, हम कोर्ट की इज्जत करते हैं। अगर हमारे सामने ये ऑप्शन रखा जाएगा कि जेल या बेल, तो फिर हमें जेल ही मंजूर है, हम बेल नहीं लेंगे।